मेरे गार्डन की खूबसूरती है ये कोलियस के प्लांट। गर्मियों के दिन में जब गार्डन में फ्लावर्स नहीं होते हैं, ये कोलियस के प्लांट जो होते हैं, जो कलरफुल लीफी प्लांट होते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं हमारे गार्डन में। बहुत सारे कलर ऐड करते हैं हमारे गार्डन में। तो मेरे पास कई तरह के कोलियस के प्लांट है, और कोलियस प्लांट की केयर हम कैसे करें इसके बारे में मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है, मेरे चैनल पर आप उसे चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये कोलियस का प्लांट, और इसे अगर आप सेमी शेड लाइट में रखें, यानी ऐसी जगह ग्रो करें जहां इसे दिन भर की ब्राइट लाइट मिले, तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मेरा ये एरिया जो है, यहां पे मैंने बैक साइड में बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं, और उसकी वजह से ये जो कोलियस के प्लांट मैंने उसके सामने में लगाए हैं, तो यहाँ पूरे दिन की धूप नहीं पड़ती है, मॉर्निंग की धूप इसमें पड़ती है, और उसके बाद जैसे ही 11 बजते हैं यहाँ से धूप चली जाती है। और बड़े पौधे की होने की वजह से काफ़ी अच्छे से इसमें शेड आ जाती है, और दिन भर की ब्राइट लाइट मेरे इस प्लांट सबको मिलती रहती है। उसकी वजह से मेरा ये कोलियस का प्लांट आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छा इसका वाइब्रेंट सा कलर आ रखा है, और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के इसमें लीव्स आए हैं, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने सारे ही कोलियस के प्लांट को इस जगह लगा रखा है, और यहाँ पे एक खूबसूरत सा बेड बन के तैयार हो गया है। तो ये खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए आज मैं करूँगी इस प्लांट की प्रूनिंग। तो फ्रेंड्स अगर हम प्लांट की प्रूनिंग ना करें तो प्लांट्स अजीबोगरीब ढंग से बढ़ने लगते हैं, जैसे कुछ बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। और कोलियस के प्लांट की प्रूनिंग हमें इसलिए भी करनी चाहिए जिससे कि उसके ब्रांचेस जो होते हैं काफ़ी लंबे लंबे और लेंथी से ना हो। तो प्लांट में मजबूती रखने के लिए और प्लांट को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हमें प्लांट में प्रूनिंग करनी होती है, और कोलियस के प्लांट में प्रूनिंग हम इसलिए भी करेंगे जिससे कि जहाँ जहाँ हम प्रूनिंग करें वहाँ से और ब्रांचेस निकले और हमारा ये प्लांट और ज़्यादा घना और बुशी हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ये एरिया काफ़ी सुंदर लग रहा है, और कोलियस की वजह से जैसे लग रहा है कि यहाँ पर कम्प्लीट कलरफुल बेड बन के तैयार हो गया है। तो ये खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए मैं अपने प्लांट की, कोलियस प्लांट की थोड़ी बहुत प्रूनिंग करूंगी। काफ़ी सारे प्लांट आप देख रहे होंगे कुछ ऊंचे से निकल गए हैं, जैसे कि देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं, पीछे वाले पोर्शन में जो प्लांट है वो कंप्लीट ढकने में आ रहे हैं, और कुछ प्लांट हैं जैसे कि अंदर की तरफ रह जा रहे हैं। तो इसकी वजह से कुछ की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और कुछ की ग्रोथ रह जाएगी। तो इसको फ्रेंड्स मैं एक लेवल में रखना चाहती हूँ, एक खूबसूरत सा इक्वल साइज़ में एक कलरफुल बेड बना के रखना चाहती हूँ जिससे कि जो खूबसूरती है मेरे गार्डन की वो बनी रहे। तो फिर मैं किस तरह से इसकी प्रूनिंग करती हूँ चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि कोलियस में हमें फ्लावर नहीं बनने देना है। कोलियस प्लांट में अगर फ्लावर बनने लगते हैं तो फिर इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो सबसे पहले तो हमें सारे जितने भी फ्लावर्स हैं उन्हें कट करके हटा देना है। और प्रूनिंग करने के बाद जो ब्रांचेस निकल आए उसे भी आप हम ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक पौधे से हम कोलियस के कई पौधे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं करूंगी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग और पूरे प्लांट को एक लेवल में लेके आऊंगी जिससे कि मेरा ये एरिया खूबसूरत दिखे। तो पहले मैं प्रूनिंग कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे कोलियस के प्लांट की प्रूनिंग मैंने लगभग कर दी है। जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस ऊपर नीचे हो रहे थे उन्हें मैंने बराबर करने की कोशिश की है, और इस तरह से मैंने प्रूनिंग कर दी है। और देखिए फ्रेंड्स काफ़ी सारे स्टेम मेरे निकल आए। इस तरह से जो स्टेम निकलते हैं इसे हम फिर से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि कोलियस के प्लांट काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, और इतनी सी कटिंग भी हम उसकी ग्रो करें तो फ्रेंड्स वो भी ग्रो हो जाता है। तो मैंने एक पॉट में कुछ प्लांट ग्रो कर लिए हैं जिसकी थोड़ी मोटी मोटी सी स्टेम थी। और फ्रेंड्स ये जो पत्तियां निकल आई है क्योंकि मेरे पास और पॉट्स नहीं हैं इसीलिए मैं और ग्रो नहीं करूंगी, इसीलिए इसे मैं हटा दूंगी, और फ्रेंड्स इसे मैं फेंकूंगी नहीं, कॉम्पोस्ट बनाने में हम इन पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपने कोलियस के प्लांट की प्रूनिंग भी कर दी और एक लेवल मेंटेन करते हुए इसे छोड़ दिया जिससे कि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। और कुछ दिनों के बाद जब इसकी ग्रोथ वापस से स्टार्ट हो जाएगी तब मैं फिर से आपको इसकी अपडेट दूंगी।
और फ्रेंड्स, इस कोलियस प्लांट को अगर हम मेंटेन करें और इस तरह से प्रूनिंग कटिंग करते रहें और इसका थोड़ा ध्यान रखें, तो पूरे साल ये कोलियस के प्लांट हमारे गार्डन में रहते हैं और कलरफुल गार्डन बना के रखते हैं और फूलों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं और बहुत ही सुंदर सा हमारा गार्डन लगने लगता है। तो इस तरह से मैंने की अपने कोलियस प्लांट की प्रूनिंग। तो आज की जानकारी फ्रेंड्स बस इतनी ही, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए विद बेल बटन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।